हमें तो बीजेपी को वोट देना है सिर्फ। हमारा एक चेहरा है मोदी और हमारा कोई चेहरा नहीं है। जहाँ पर रात को या दिन को जाने में डर लगता था, वहाँ पर जो है रात को भी आदमी जाता है, कहीं कुछ नहीं है। मैं आपके लिए करूँगा वो करूँगा, तो बोलने से थोड़ी कुछ होता है, वो कर बोलने से पहले वो कर रहे हैं। जो करेगा उसको तो हम वोट देंगे, जो बोल रहा है उसको थोड़ी वोट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, चुनाव नजदीक आ चुके हैं। दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर हम पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, माहौल क्या है उसी को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल है, क्या वे देख रहे हैं। आइए चलते बात करते हैं। नमस्कार सर। जय जय राम जी। नमस्कार जी। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है दिल्ली का इस बार? अभी माहौल तो बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी चाह रहा है कि मैं वोट देऊं और अपना जो हमारा होगा हक मिलता है। इस बार बाजी मारने वाली है। अगर हम बात करें अभी की, तो बीजेपी की दिल्ली में सातों की सातों सीटें हैं। यहाँ से अगर बात करें तो पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर जी सांसद है, जिन्होंने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने उतारा है हर्ष मल्होत्रा जी को। सही, अगर बात करें तो गठबंधन के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार, जो कि कोंडली से विधायक भी हैं। तो क्या लग रहा है सर, यहाँ का पूरी दिल्ली का समीकरण क्या है सर? देखो, ये समीकरण का तो हमें पता नहीं है, खैर हम इतना नहीं जानते, लेकिन हमें तो अपना समीकरण पता है कि हमें क्या करना है। हमने तो सर कोई खड़ा हो, हमें तो बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, सिर्फ हमारा एक चेहरा है मोदी और हमारा कोई चेहरा नहीं है। ऐसा क्यों सर? देखिए, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से प्रचार करती कि हमने बिजली पानी फ्री कर दी है। भाई जी, फ्री करना तो हैंडीकैप्ट कर दिया ना आपने। फ्री एक समस्या हल्का हल नहीं है। अगर आप, मैं आपको फ्री दे दूं, आप मेरे से 100 रुपए मांग रहे हैं, मैं आपको दे दूं, लेकिन ये तो आपकी समस्या हल नहीं हुई ना। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि आपको जरूरत ही ना पड़े 100 रुपए मांगने की। बट देखिए, कहीं ना कहीं ये उन्होंने ये भी बोला है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, जिसको नहीं लेना है। कहाँ गरीब के लिए, कहाँ है? एक महिला जो 80,000 रुपए कमा रही है सैलरी, बुरा मत मानना, चाहे केजरीवाल जी सुने चाहे कोई, वो भी डीटीसी में फ्री है। और एक जो बिचारी जिसकी कोई आय नहीं है, कुछ नहीं, वो भी फ्री है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं गरीब और अमीर कहाँ रहा? उन्होंने ये भी तो बोला है कि अब बिजली पानी में उन्होंने ये कर दिया है कि जिसका हो कि हमें फ्री नहीं लेना, वो बिजली पे मतलब पैसा दे सकता है। भाई ऐसे कैसे कोई कर लेगा, टैक्स पैड है सब। एक मोबाइल भी रिचार्ज कराओ, टैक्स लगता है। बिल्कुल लगता है ना, लगता है। चाहे मैं रिटायर आदमी हूँ, अब मेरी कोई पेंशन नहीं है कुछ नहीं, लेकिन मैं भी रिचार्ज कराना चाहूंगा, मेरे को भी देना पड़ेगा ना। ये तो हमारी उसकी सोच का प्रभाव है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी फ्री दे रही है, मेरी बात मानता हूँ, आप देख के दे उसकी आर्थिक समस्या क्या है। अगर मैं 5 रुपए का टिकट अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझको मत दे। तो उन्होंने भी यही बोला कि जो अगर आप, क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई महिला नहीं चाहती है कि उनको फ्री नहीं लेना, तो पे करके टिकट ले सकते हैं। यही तो उन्होंने तो हमारी टोपी हमें को पहना दी, अपनी टोपी उतार के उन्होंने हमें अपना दी कि आप फैसला करो। आप क्या फैसला करेंगे यार, जब हम पे आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं? या तो हमारे को आर्थिक स्थिति देख के हमारे को वो सुधार करो, हमको उसमें रिटायर है जैसे हम आदमी है 62+ हो रहे हैं, हमें किसी में छूट दो। छूट आप किसी को दे नहीं रहे, हमारे पैसे से ही जो करोड़पति महिला उसे भी फ्री चला रहे हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो भी उसे भी फ्री चला रहे हो। ये तो कह रहे थे, अभी आपने देखा ही होगा केजरीवाल जी के राम मंदिर से, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उससे पहले बोल रहे थे कि दिल्ली में हमारी सातों की सातों सीटें आती है, तो हम सभी जो दिल्ली में विरुद्ध लोग हैं उनको रामलला के फ्री में दर्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्यों मतलब? ये तो फिर और आप उनको वो कर रहे हो, फिर क्यों दर्शन कराओगे आप? उन्होंने बोला है ना, तो गलत है ना, ये उनकी सोच ही गलत है। फ्री के क्या मतलब हुआ? फ्री को तो आप उनको दो ना जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते है। बुरा मत मानना, आज मेरी बच्चा कमा रहा है, मेरी अच्छी आय है या जो भी कुछ है, और मैं उनके फ्री के चक्कर में उनकी बस में बैठ जाऊं, बुरा मत मानना। एक सीट जो अफोर्ड मैं कर सकता हूं बिना उसके फ्री के, तो उसको वो सीट दो ना जो अफोर्ड नहीं कर सकता राम मंदिर के लिए। मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं फिर भी एक सीट घेर ली ना मैंने, जिसको हक मिलने चाहिए वो सो नहीं मिल रहा। तो ये तो केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, फ्री देके और आप अपनी जनता को वो बना रहे हो। नरेंद्र मोदी जी सहारनपुर से रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बोला जो भी हमने पिछले अपने कार्यकाल में अपने वादे किए थे लगभग पूरे कर दिए, राम मंदिर, धारा 370, CAA, ये सारे वादे करे लगभग पूरे कर दिए। कह रहे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। भाजी हमें कुछ नहीं पता, हमने भी न्यूज देखी है, आपने भी देखी होगी और उन्हें भी देखी होगी। हमारी मिलिट्री का जवान
जिसके गले में 370 कौन सी है के 547 वो गले में है और उसको उसको चलाने का ऑर्डर नहीं है, तो भाई हमें तो ऐसी सरकार चाहिए नहीं। वहां के लोग उनके हमारे फौजियों के थप्पड़ मार रहे हैं, वो न्यूज हमने अपनी आंखों से देखी है, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? और आज वहां पे वो सारे बंदे कहाँ चले गए? देखो, ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं आज सीधी सी बात, मरना कोई नहीं चाहता। जहां पे भी आतंकवादी बम रख के जाता है, क्या वहां मुसलमान नहीं मरता? या वो उस बम पे लिखा हुआ है कि जिसमें हिंदू हिंदू ही मरेगा? तो मतलब कि इस सरकार के अंदर सेना को ताकत मिली है, अब मुंह तोड़ हम दुश्मन को जवाब दे पाते हैं? सीधी सी बात है। कहाँ से आप? हम तो बिहार से हैं, दिल्ली से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्या हो गया बताइए ना, कि आप यहाँ पे काम करते हैं? हम तो काम करते हैं, जैसे आज हैं कल चले जाएंगे, तो इसमें हम यहाँ का सरकार। बिहार में कहाँ से आप? बिहार में सहरसा से। अच्छा, बिहार में आप वोट आप बिहार में ही करते हैं? हाँ, बिहार में ही करते हैं। अभी नीतीश कुमार जी बात करते हैं कि हम बिहार में रोजगार देंगे, वहीं नीतीश कुमार उन पे आरोप लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बिहार के लिए अच्छी है? क्योंकि अभी गठबंधन भी हुआ कांग्रेस और आरजेडी का, वहीं बात करें एनडीए में तो नीतीश कुमार और बीजेपी है। ये 15 साल से नीतीश कुमार जो है सो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी तो युवक को नहीं दिया है। जो भी दिया, ये 17-18 महीना तेजस्वी रहा उनके साथ उप मुख्यमंत्री, तो उसके बाद में बहुत सा शिक्षक को बहाली किया, बहुत सा नौकरी दिया, बहुत सा ये दिया। अगर वो तेजस्वी के साथ रहता तो अब तक मैं बहुत युवाओं को नौकरी दे देता। क्या लग रहा है चुनावी माहौल बिहार का क्या है? क्या माहौल है बिहार में इस बार? अभी तो हम यहाँ है, तो अब क्या कर सकते हैं? देखते होंगे आप न्यूज़, देखते होंगे, आती होगी। आरजेडी का माहौल देख रहे हैं और बीजेपी का टक्कर है, आरजेडी बीजेपी का टक्कर है, टक्कर। बिहार में जो सीटें हैं इस बार, मतलब कि लोग बाग आरजेडी की तरफ वहां पे जाएंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में जो बिहार में बात होती है जंगल राज की, वो कम हुआ है? जंगल वंगल राज नहीं है, ऐसे एक बकवास है विपक्षी जो बोलने का है वो बोलता है। बिहार में तो बहुत सा, मतलब पहले भी सुधरा हुआ था, अभी भी सुधर रहा है, जो भी है जंगल राज नहीं है, ऐसे मन का कुछ भी कह दे। बिहार में जो भी है, जहाँ पर रात को या दिन को जाने में डर लगता था, वहाँ पर जो है रात को भी आदमी जाता है, कहीं कुछ नहीं है। अभी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव है, आप सीमापुरी से हैं, तो पुरानी सीमापुरी रहते हैं नई सीमापुरी? तो नई सीमापुरी जो है वहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने कुछ काम कराया वहाँ पर? कुछ भी नहीं कराया। और आपके यहाँ के जो विधायक है राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से, कराया उन्होंने काम? कराया, बहुत काम कराया। क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या इस बार क्या सा माहौल रहने वाला है? केजरीवाल आएगा और कौन आएगा? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, जब भी जीतेंगे। तो क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले जो गिरफ्तारी हुई है ये सही कदम है या फिर बीजेपी उनको फंसा रही है? बीजेपी फंसा रही है, जाहिर सी बात है, फंसा रही है बीजेपी, पर जीतेंगे वही, और वो वोट बैंक बढ़ गया, जितना फंसाया होता वोट बैंक बढ़ेगा। तो दिल्ली का मतलब अभी जो मैं बात करूँ, सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आ पाएंगी? आम आदमी जीतेगा, आम आदमी की पार्टी आएगी। आप युवा हैं, एजुकेशन में सरकार बोलती है कि हमने बदलाव किया, क्या केजरीवाल के राज में कुछ काम हुआ है? बदलाव हुआ है, स्कूल में बहुत बदलाव हुआ, मैंने केजरीवाल जी के राज में पढ़ा हूँ, मैं 9th मैंने क्लियर, 10th 11th 12th मैंने उनके उसमें क्लियर करी है। कौन से स्कूल से गया आपने? मैं जनता फ्लैट में था, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो उनके स्कूल में हम पहले थे तो कुछ भी नहीं था, फिर उनकी सरकार आई, पढ़ाई हार्ड हुई, स्कूल ठीक हुए, एजुकेशन ठीक हुई, मतलब सब ठीक हुआ, स्कूल बन गए अच्छे खासे, पहले बाहर भागना, टीचर आते पढ़ाने, सब आते, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, छोटा नहीं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, टाइम टू टाइम टीचर आ रहे हैं, टाइम टू टाइम हाजिरी लग रही है, अटेंडेंस लग रही है, बस। तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में, तो चलो आप बता ही रहे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी बताया जाता है एजुकेटेड है, काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं काफी, गवार थोड़ी है, पढ़ के आए, बाहर से पढ़ के आए, सब पता है उनको कैसे क्या चलाना है, कैसे क्या चलाना है। अगर हम धर्म के उसको हटा के वोट दें तो लोग राहुल गांधी को पसंद करेंगे, क्योंकि लोग अपना प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा मानते हैं, क्योंकि उसको देश चलाना है, उसको आगे कुछ करना है, उसको कुछ देखना है कि फ्यूचर कैसे चलेगा, और जो पढ़ाई नहीं कर गया, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे देश चलाएगा? अभी हम थे पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर विधानसभा में, जहां पर हमने लोगों से बात करी, हर एक पॉइंट व्यू पे हमने उनसे जाना कि क्या उनका मसला है, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर।
तो ऐसे ही हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी, लोगों से बात करेंगे जगह जगह जाकर कि क्या माहौल है, क्या वे देख रहे हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।